वेलकम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग जो है वो है पॉलर की रूटीन। सुबह हम जब उठे तो मैंने, मेरे हस्बैंड ने यासीन वगैरह पढ़ी, वो अपने काम पे चले गए और मैंने कहा अब 11 बज चुके हैं तो मैं भी अपना स्टार्ट कर लूँ, पॉलर को ओपन कर लूँ। लड़कियाँ आ गई हैं, डस्टिंग वगैरह हो रही है तो मैंने कहा चलें जी स्टार्ट करते हैं। ऐसा क्या है, आमना जो है वो मेरी वीडियो बना रही है और चलें आइए नेक्स्ट काम करते हैं। आज मैंने कहा आपको अपने इस रूम की भी मैं थोड़ी सी वीडियो बना के दिखाती हूँ, दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ ख़त्म हो चुकी है और कौन किस चीज़ के रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। डर्मा क्लेयर, जैसे आप जानते हैं कि बहुत क्लाइंट इससे भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई होते हैं। डॉक्टर रिशल, ये तो खैर 4-5 साल से चल रहा है, ये भी बहुत अच्छा है। ये इसके मास्क हैं, ये शीट मास्क है, ये इसका जो है वो फेस पैक है। ये हमारा है ब्यूटी प्लस के, ये ब्लैक हेड्स का है, ये रिमूव ठीक है। और ये गो फॉर ग्लो है, ये बिल्कुल पतली हो चुकी हैं। क्लाइंट ने इसके इतना ज़बरदस्त फीडबैक दिया है और मैं इसकी वीडियो बनाने से रह गई क्योंकि मेरे लिए टाइम ही नहीं बच रहा था। तो अब ये थोड़ा बहुत रह गया तो मैं इंशाल्लाह आपको इसकी जल्द ही वीडियो बना के दिखाऊंगी। और अब ये नेक्स्ट देखें, ये चिल्तन मरों का भी मैंने सामान रखा हुआ है इसलिए क्योंकि ये ऑर्गेनिक है प्योर। तो जो जो क्लाइंट्स हैं जिनकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन होती है, ऑयली स्किन होती है, पिंपली स्किन होती है, तो उसके लिए मैं ये भी इस्तेमाल करती हूँ। और हाई लिफ्ट का फेशियल है, आपने मेरे पास इसको भी पसंद किया जा रहा है। ब्लश है, ये भी बहुत अच्छा है, फेरोबेलो, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। और ये जेनसन का, ठीक है, जेनसन की भी फुल किट है। और कलर जो है मेरे पास, मैंने ब्रीमोट का भी रखा हुआ है कलर, सुनिकिया भी रखा हुआ है। सुनिकिया जो है वो इटली की ब्रांड है, बहुत ज़बरदस्त ब्रांड है। जॉब का कलर बहुत अच्छा है, एलके है मेरे पास। तो मैं ये चार ब्रांड्स को लेके मैं चल रही हूँ, ठीक है। जैसा कि ये देख रहे हैं कि ये भी एक नई चीज़ है लेकिन इसको भी कम से कम 2-1 महीने तो हो ही गए हैं, ठीक है। ये है ब्यूटी मैक्स का है, ये आईब्रो टिंट, ठीक है। जिन लोगों के आईब्रोज बहुत ज़्यादा थिन होते हैं, बहुत ज़्यादा फिल नहीं हुई हुई होती, तो उनके लिए ये कम से कम 1 वीक आपका बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप मॉइस्चराइज़ नहीं करते तो ये आपकी 2 वीक भी निकाल लेगा। इससे वाइट हेयर्स की भी कवरेज होती है, ठीक है, और जो मिसिंग हेयर्स होते हैं उसकी भी, और शेप बहुत ज़बरदस्त बनती है। इसकी भी मैं वीडियो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द करके दिखाऊंगी। इसके लिए आपको मुझे इंस्टा पे फॉलो करना पड़ेगा, इंशाल्लाह छोटी सी वीडियो इस पर भी बना के दिखाऊंगी। चले जी, मेरे बच्चे दोनों स्कूल से आ चुके हैं, अब मांगेंगे और खाने की तैयारी भी है नहीं। उसके बाद मैंने वो भी अच्छे दिए, फिर अलग नशा भी और सारा कुछ। चलो बस फिर अच्छी बात है, बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। इसको प्याज को तो मैंने वैसे भी जो है ग्राइंड करना था, तो अब लाइट तो है नहीं, फिलहाल देर हो रही है, तो मैं जो मसाला था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया, टमाटर वगैरह, ठीक है। ये थोड़ा सा भूनते हैं तो फिर इसके अंदर हम जो है वो इसको निकाल के हम ग्राइंड करेंगे जब तक लाइट आ जाएगी हमारी। अब जो है मैंने चिकन जो है वो हांडी में डाल दिया है, ठीक है। किचन को मैं खाना बनाते हुए बहुत नीट एंड क्लीन रखती हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है कि अगर किचन गंदा हो। और बच्चे भी काम कर रहे हो, आमना भी काम कर रही हो मेरे साथ, तो मैं आमना को कहती हूँ आमना किचन बहुत साफ़ सुथरा होना चाहिए, मुझे गंद नज़र ना आए कहीं भी। तो चलें जी, ये एंड है, दम पे लग गया है, देखें ऑयल ऊपर आ गया और ये ऑलमोस्ट बस 5 मिनट में और तैयार होने वाला है। बच्चे जो हैं खाना खा चुके हैं और अब जो हैं वो अपने कमरे में पढ़ रहे हैं, उनकी जो ट्यूटर हैं वो आ चुकी हैं, अब हम देखते हैं कि क्या होगा। हसन, कौन सा पेपर है आपका? इंग्लिश। और फसीहा आपका? मैथ्स। और हमारी जो आमना है वो तो आपको पता है कि वो किप्स में पढ़ती हैं, वो घर पे ही रहती हैं, तो क्या मतलब जाती है स्कूल लेकिन वीक में 1 टाइम। और गेंद का रूम है, मैंने कहा आपको दिखा दूँ, आमना का और फसीहा का ड्रेसिंग रूम है। बच्चों से जब पूछा जाए कि जी पेपर कैसे हो रहे हैं तो उनके माशाल्लाह वही जो याद किया होता है वही पेपर में आता है, लेकिन जब रिज़ल्ट आता है तब पता नहीं क्या हो जाता है, टीचर्स के साथ कोई दुश्मनी हो जाती है बच्चों की। छोटी सी इनकी ट्यूटर को ट्रीट देनी है, वो भी हम ब्लॉग बनाएंगे। अच्छा जी, मैंने जो है काफ़ी लोगों ने मुझे इसके बारे में कमेंट किया था कि आप जॉब कलर जो वीडियो बनाई है आपने, तो ये कलर कहाँ से मिलेगा और इस कलर की मिक्सिंग क्या है और कौन कौन सा शेड कौन कौन से कलर का है नंबर, ठीक है। तो मैंने कहा मैं आपको बता दूँ, ये है मेड इन जापान, ठीक है, और ये जॉब कलर है नाम इसका, और ये यहाँ से ये इसका शेड कार्ड है, ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 022 से, ठीक है, ये फिर इसकी सारी रेंज आ रही है।
अच्छा जी, जो सबसे पहला कमेंट था वो ये था कि जो है 7-4 कौन सा शेड है, तो मैं आपको बता दूं कि यह है फ्लेम रेड कलर है। हर कंपनी के अलग अलग नंबर होते हैं, तो मेरी जो कंपनी का नंबर है वो है 474, ठीक है, फ्लेम रेड कलर। वो ये थोड़ा सा इस तरह सा रेडिश कॉपर सा कलर होता है, ठीक है, ये कलर था ये। और सेकंड था कि 73 कौन सा शेड है, 73 जो है वो ये शेड है, ये देखें, मीडियम गोल्डन ब्लॉन्ड, ठीक है, ये डार्क इसके शेड है, इसी में हम ये 73 जो है वो लाइट शेड है। फिर था कि जी 633 ये कौन सा शेड है, तो मैंने कहा मैं आपको ये भी बता दूं कि ये देखें, ये आपस में सब एक दूसरे की फैमिली ही हैं, ठीक है, कॉपर शेड में ही ये आ रहे हैं, गोल्डन इनको बोलते हैं, ठीक है। ये है डार्क गोल्ड कलर, जब हम जिस भी लेवल पे बालों को लेके जाते हैं कट डाउन करने के लिए और जब लगाते हैं तो ये गोल्ड रेड कलर बनता है। ये जी है ये 633 कौन सा शेड है, वो ये शेड है, ठीक है। मैंने कहा मैं सब अपने व्यूवर्स की जो है कन्फ्यूजन को दूर कर दूं कि कौन कौन से शेड कलर हैं, क्योंकि मैंने ये शेड कार्ड जो है वो अब मैंने खोला, मैंने कहा चलें जी आज जब मैं रिव्यू दे ही रही हूँ तो आज इसकी भी वीडियो बना लेते हैं। ये हैं कोई नैन तारा हैं, इन्होंने मेरे से कहा था कि ये 83 जो है वो कलर कौन सा है और हम कहाँ से ये ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर करने के लिए तो आपको फिर बताना पड़ेगा कि आप कौन से सिटी में हैं। अगर आप तो मेरे से ये परचेज़ करना चाह रहे हैं तो मैं आपको जो है डायरेक्ट जो है वो मैं आपको डिलीवर करवा दूंगी, लेकिन अगर आपके इनके डिस्ट्रीब्यूटर का पूछते हैं तो मैं उनका भी नाम बता दूंगी आपको, ठीक है। तो वो आपको आराम से जितनी भी क्वांटिटी होगी विद डेवलपर आपको वो सेंड जो है वो डिलीवर करवा देंगे। अच्छा, अब ये है, उन्होंने पूछा है 83 भी देखें वही है, लेकिन ये मीडियम से थोड़ा सा लाइटर टोन में जा रहा है, ठीक है। ये है लाइट गोल्डन ब्लॉन्ड कलर। पहले जी उन्होंने पूछा कि ये कलर कौन सा है, ये भी इसी फैमिली का है, ये भी देखें इसी का है। फिर जब हम इसी में लाइट में जाते जाएंगे तो ये गोल्डन जो कलर है ये हमारा बनता है कम से कम 9 लेवल, ठीक है। जितना हम 9 लेवल का कट डाउन करते हैं ये वो वाला कलर बनता है, ठीक है। अब इसमें था जी 880 कौन सा शेड है, अब 880 जो है वो शेड है ये वाला, ये देखें, इंटेंस लाइट ब्लॉन्ड। ये देखें, ये भी उसी की फैमिली से ही है, ये भी गोल्ड में जा रहा है कलर। ये देखें, ये सारे कलर जो हैं ये यही वाले हैं। और एक जो है उन्होंने सुमेरा कमल जो हैं, इन्होंने मेरे से पूछा है कि आप मुझे गाइड करें कि ये मैं कलर कहाँ से परचेज़ कर सकती हूँ। तो मैं ये आपको बता रही हूँ कि ये कलर जो है अगर आप मेरे से मंगवाना चाहें तो मेरे यहाँ भी मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में जो है अपना एड्रेस सेंड कर दूँगी, वरना अगर आप कंपनी से डायरेक्ट लेना चाहते हैं तो मैं उनके डिस्ट्रीब्यूटर जो हैं सजाद गुलेवान उनका नंबर मैं दे दूँगी, तो आप आराम से उनसे परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपको विद डेवलपर ये पूरा आपको एक पेयर ख़रीदना पड़ेगा। अच्छा जी, अब ये पूछा है, बुशी बुशी हैं कोई, जिनका नेम जो भी है, ये सिस्टर हैं कोई, इन्होंने पूछा है 643 ये कैसे कहाँ से बाई कर सकती हैं, फिर वही वाला सवाल हो गया, और ये कलर कौन सा है। तो अब मैं ये बता दूं कि ये ऑरेंज रेड कलर है, ठीक है, ये देखें, ये रेड कॉपर रेड में आ रहा है, ये रेड कलर है। और जो ये बुशी बुशी हैं जो भी ये सिस्टर हैं वो ये कह रही थी कि जब भी ये करती हैं कलर तो इनका कलर जो है एग्जैक्ट कलर नहीं आता, ठीक है, और या शायद इनकी जो मिक्सिंग है उसका तरीका ठीक नहीं है, या अगर हमारे जो भी क्लाइंट होते हैं हम उनके बालों के टेक्सचर को देखते हैं, ठीक है, या हम पहले थोड़ा सा एक टेस्टर ले लेते हैं इनके एक भी बाल को निकाल के कि जी उस पर कलर हम लगाते हैं तो ये कितनी देर में कौन सा कट कहाँ किस लेवल तक जाएगा, ठीक है, ताकि बाल डैमेज भी ना हो और हमारा विश कलर भी बन जाए। तो अब ये तो हम देख के ही बता सकते हैं कि इनके बालों का टेक्सचर क्या है, बाल कितने वाइट हैं या ब्लैक हैं या जिस भी टोन में, या इन्होंने कौन कौन से मेटालिक डाई लगाए हुए हैं जिसकी वजह से उनका ये कलर नहीं आया। और अक्सर क्लाइंट जो है वो मेहंदी अप्लाई कर लेते हैं, वो समझते हैं कि जी साल डेढ़ साल हो गया हमारे बालों में से मेहंदी निकल चुकी है, अब ये कलर क्यों नहीं आ रहा। मेहंदी की कोटिंग जो है वो कलर की कोटिंग से 3 गुना जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। अब कितनी टाइम भी आप जब धोते हैं वॉश करते हैं तो मेहंदी नहीं निकलती, हमें ऐसे लगता है हमारे बालों से हर दफ़ा निकल रही है, लेकिन वो कम से कम भी जब तक आपके रूट से बाल वर्जन नहीं होगा तब तक वो आपका कलर जो है वो नहीं आ सकता। और अगर आप कट डाउन करते हैं तो कट डाउन में भी बहुत गंदा सा ऑरेंज कलर आता है जिसकी वजह से आपका शेड नहीं आ सकता। अब अगर आप पॉलर्स में होते हैं काम करवाते हैं तो वो हम अपनी एक टेक्निक से आपके बालों के टेक्सचर को सेफ साइड करते हुए हम आपको वो विश कलर दे देते हैं, लेकिन अगर आप खुद घर में करना चाहें तो ये आराम से नहीं होगा। अच्छा जी, अब एक और है ये कमेंट, वो है हलीमा
मुशर्रफ जो हैं उन्होंने पूछा है कि ये 8-11 कौन सा कलर है। अब ये देखें, ये शेड देख लें, ये ऐश का कलर है, ठीक है, इंटेंस लाइट ऐश ब्लॉन्ड कलर है। ये विदाउट कट डाउन नहीं होगा, लेकिन अगर कोई चाहता है कि सेफ साइड से थोड़ा बहुत भी ये शेड आ जाए तो ये 40 वॉल्यूम से आएगा, लेकिन उसको फिर बार बार चेक करना पड़ेगा, ये ना हो कि बाल जो हैं वो हाथों में आ जाएं, ना कलर रहे ना बाल रहे। तो अगर आप ये कलर कोई भी करवाना चाहते हैं इस टाइप का, तो अगर आप सैलून पे जाएंगे तो वो सेफ साइड आपका विश कलर निकाल देंगे। अच्छा जी, जो आपने इसकी प्राइस पूछी है विद डेवलपर, और ये 100 ml की है जो ये ट्यूब है, ठीक है, और ये इसकी प्राइस जो है दोनों के पेयर की 1500। ये देखें, ये हसनैन और मेरी अम्मी। हसनैन यहाँ जो है 9 months का है, अम्मी की गोद में, यादगार तस्वीर। और माशाल्लाह मेरा बच्चा बहुत सेहतमंद था, अब जो है वो कमज़ोर हो चुका है। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।